हेलो फ्रेंड्स, कोई मॉर्निंग नहीं है तो गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही, अभी हो गया गुड आफ्टरनून। दोपहर के शायद से बज गए हैं आपका 3:15, आफ्टरनून भी नहीं, शाम होने को है अभी। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इतना दिन ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, एक ब्लॉग है मैं डालूँगी, डाला नहीं है, कल बनाया था, तो इतना दिन नहीं बना पाई थी क्योंकि काम कर रही थी, घर शिफ्ट कर रही थी। एक्चुअली पहले तो मम्मी के वहाँ रहते, अभी वहाँ नहीं, हम लोग रेंट पे आ गए, तो दिखाएंगे इसका भी घर कैसा है। नहीं, अभी तक घर पे कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट शिफ्ट हुए ना, अभी थोड़ा मतलब फाइनेंशियली वीक है तो अभी नहीं कर रहे। और मम्मी पापा भी आने वाले हैं, पंजाब से आ जाएंगे वो लोग, वहाँ सामान वामान है ना बहुत, तो भेज भेज के आएंगे, अभी नहीं आ रहे। तो आज है हस्बैंड का जन्मदिन, तो हम लोग यहाँ पे कोई जन्मदिन सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने छुट्टी लिया था कि मंदिर जाएंगे, पर मंदिर भी हम लोग नहीं गए और मुझे कहीं और जाना पड़ गया तो इमरजेंसी में, तो मैं वहाँ चली गई, तो पूरा दिन इनका ऐसे बेकार निकल गया। अब कह रहे हैं कि बेकार में छुट्टी लिया, शाम से ज्वाइन कर लेंगे, मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, ऐसा कह रहे हैं। मैं तो मना ही कर रही हूँ, पता नहीं फिर भी क्या करेंगे। या मेरा बेटू मुझे ऐसे उतार रहा है, देखिए अब फ़ोन में देख रहे हैं, वो सोच रहा है कि फ़ोन पे भाई क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरा घर में किसी और दिन दिखाऊंगी, आज ऐसे ही बनाया कि आप लोगों को बता दूं। कितने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या हाल नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में भी नहीं आ रहा था तो तबीयत ख़राब थी, सोचा इस बार बता देते इसीलिए नहीं आ रहा है। अभी तक घर कोई सेटलमेंट हुआ नहीं, मम्मी भाभी जब भी आती थोड़ा थोड़ा सेटल करके जाती है, आज भी आया था। तो दोपहर का खाना पीना बना के बच्चा सब संभाल के मेरे से नहीं हो पाता इतना, मम्मी थोड़ा थोड़ा आ जाती है, आज भी आई थी तो बाबू को पकड़ा, तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में पूरी खाए और मैंने आलू बीन्स फ्राई किया था वो खाए। तो दोपहर का खाना चावल को यहाँ बनाया, पर सब्जी को मम्मी को मैंने कहा घर पे जो बनाए लेकर आओ, तो हस्बैंड के लिए अंडा ऑमलेट कर दिया और बाकी मम्मी के वहाँ से सब्जी वब्जी मम्मी भेज दी थी, तो इसी से खा लेंगे। अभी तक खाए नहीं, मैं हस्बैंड को बोल दूँ खाए, सुबह का ब्रेकफास्ट खाने में लेट हो गया ना, तो उनको भूख ही नहीं आया, फिर उनको छोड़ के खाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर अभी देखते हैं शायद खा लेंगे, वही है, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है नहीं होता। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं, बोल रहे बाहर चलो, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो गए, दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, तब तक मेरे बेटू को देखिए कैसे मुझे देखा कि अल्लाह। बेटू को भी मम्मी के पास रख के चले गए थे, हस्बैंड घर पर अकेले थे तो बोर तो होना ही था ना, क्या करें। मैं यहाँ का बाहर का कॉलोनी भी दिखाएंगे, अभी मैं बैठी हूँ बाहर रूम में, सिटिंग रूम में ही बैठी हूँ, तो अभी के लिए बैट को हम लोग इस रूम में ही लगा लिए, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा ऐसा लगता है, कोई है नहीं ना इतना बड़ा रूम, बहुत साउंड भी इको करता है। बेटे को अगर मैं वहाँ सुला के यहाँ किचन में काम भी करूँगी तो अकेला हो जाएगा बहुत, इसलिए यहीं पर सुला के किचन पास ही मेरे लिए इजी रहता है, इसलिए देखिए दोनों कैसे खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी खेल रहा था, अभी उठ रहा, मतलब घूम घूम के इसका आदत इतना ख़राब हो गया कि रह नहीं मिला, तो बाहर जाना है घूमना, पापा खेल रहे हैं इसके साथ, ये राम ये सब आया, इसने इतना गंदा इतना जोरदार फादा, अब पूछ रही सान आया या नहीं आया, आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ठीक है, मैं बेबी को गोद में ले लूँ। एक घर में पानी की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ हस्बैंड सिंटेक्स में लगा रहे हैं ये नल का, कैमरा देखते हैं उनसे हाथ से सामान छूटते जा रहे हैं तो लगाए। और पता है इसके अंदर जो लगाना पड़ता था ना, क्या लगा, मैकेनिक ने बुलाया हम लोग, घरेलू मैकेनिक है, ये जो यहाँ पे आपको बच्ची दिख रही है, हाय करे दे, ये इसके अंदर घुस के सिंटेक्स के अंदर घुस के फिर वो अंदर से दी, तो हम लोगों ने लगाया। अपना फोन हंसे तुम इतना तो जल रखा जल लो, अभी इसके हस्बैंड ये लगा रहे, वही मैं कह रही थी अच्छा खासा फीचर बन सकते थे ये, देखो कितने परफेक्ट से काम कर रहे, मेरे हस्बैंड को परफेक्ट काम चाहिए हर चीज़, है ना। कल इसी बात पे आर्गुमेंट्स होते होते रहेगी हमारा, और आज तो बेचारे का जन्मदिन है, देखिए काम कर रहे हैं। जन्मदिन हम लोगों की लोगों के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, सब दिन बराबर होते हैं ना, सुना भाई। चलिए तो आपको मैं दिखाऊं नए घर का ये किचन,
अभी तो बिखरा पड़ा हुआ है, सही से रखा नहीं, जगह है नहीं अभी तक रखने के लिए। फूल गोभी लाया था दोनों, ये कितना खाएंगे ना, सर रहा है। देखते हैं आज शाम को कुछ बनाओ क्या, गैस किचन अभी तक सेटल हुआ नहीं। यहाँ रखा है डब्बा डुब्बा जो भी है। मम्मी के घर से पास ही है ना, तो यहाँ खेलने आए भाई के साथ, तो फिर लगभग ये हो ही गया। बाहर शाम भी हो गई है, मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर जो कि उबल के तैयार होने वाला है। ये देखो बदमाशी कर रहा है, मान ही नहीं रहा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। मुश्किल से बेटा सो गया, तो ये देखिए यहाँ पर ये सो गया। मेरा खीर बन के थोड़ा मोरा तैयार, मुझे कभी या नहीं है बनाने का, पता नहीं कैसा, गुड़ है नहीं तो चीनी वाले बना रहे, गुड़ है पर वो बाबू का खाने के लिए रखा है ना, बाबू को देते हैं, तो ये ऐसे बन रहा है। सब दे दिया, अभी थोड़ा सा लौंग दे दूँगी बस। तो मैं खीर तो बना रही थी पर अच्छा नहीं बना, गड़बड़ हो गया था। मम्मी सही कर रही है यहाँ पे, अब क्या क्या रिपेयरिंग किया, अब खाने के बाद तब तो मैं चीनी भी कम हो जाएगा होगा। तो देख कैमरा करके दिखाओ, है ही नहीं है अब बना रहा था सब इनका। हाँ थोड़ा थोड़ा बनाया, ये देखिए अब थोड़ा रिपेयरिंग करके मम्मी बना रही है। अब चीनी मुझे लग रहा कम होगा, पता नहीं चीनी दिखाती है अब कौन कौन आई है, किसी को बुलाया नहीं है, बस बहन है मेरा, दो बच्चा भाभी, ये वो बच्चा तंग कर। आए बच्चा, आए जे, हाय आगे एक हिंदी की, हाय कोई ना ना कोई नहीं, हाय हाउ आर यू, तो कैसे हैं आप लोग, ओ मिस यू भी, कैसे हो आप सब, खिल बन चुका है अभी बच्चिया हम। आगे फूक एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, निकाल देते इसको, नाच रहे हैं, हो गया हो गया, चटनी करे दी तो है, हैप्पी सर के खाए दो पैक उठे, बेटू सो ही रहे हैं, छाड़ो देखे खाए दो बेटू उठे, পিসারে খাওয়াই দাও, তুমি খাও, তুমি খাও, পিসারে দাও, देखिए नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। हैप्पी बर्थडे, मम्मी को तो नहीं दे पाऊंगा ना, वो दिख गया, ये लीजिए पूरा बड़ा मुंह कीजिए, इतना बड़ा तुम आधा करो, अरे बड़ा इतना ही तो है पूरा देगा आपको, हाँ चलिए रेडी करते हैं। वो अभी काला प्लास्टिक दीजिए, तो ये सब कौन सी लाएगा, इधर इधर भी कुछ होगा, ये वाला इधर इधर वो वाला, एक ऊपर होगा ना। पे अनप्लान बर्थडे का मेन्यू था, केक, थोड़ा सा भुजिया, खीर जो मैंने घर पे बनाया था, बेकरी भी केक, समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, बस यही था, क्योंकि कोई प्लानिंग तो था नहीं, अचानक से जो सब हो पाया वही सब किया। तो और गुलाब जामुन और ये रसगुल्ला, ये सब क्योंकि उसको गुलाब जामुन पसंद है इसके लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मेरा वीडियो भी देखते रहे, थैंक यू, बाय बाय।